वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा अच्छी होंगे। साथियों, मैटप्लोटलिब की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे स्टेप प्लॉट क्रिएट करना। नाम से पता चल रहा है, स्टेप यानी कि जो हमको एक सीढ़ी की तरह से एक स्टेप बाय स्टेप हमको लुक दे, उसको हम स्टेप प्लॉट कहते हैं। किस प्रकार से इसको प्लॉट करेंगे और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और इसके पैरामीटर होते हैं, ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो स्टेप प्लॉट के लिए सबसे पहले तो हम करेंगे इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as plt, और यहाँ पे हमको इसके लिए भी कम से कम दो पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ x इक्वल और कोई भी एक सिंपल वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो छोटी वैल्यू लेऊँगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये किस प्रकार से दिखता है। और एक ले लेता हूँ मैं y के नाम से, और y के अंदर भी एक बार तो मैं सेम वैल्यू डालता हूँ ताकि आपको मैं स्टेप दिखा सकूँ। अब करेंगे यहाँ पे plt.step, और इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स हम पास करा देंगे और शो करा लेंगे plt.show, रन करा देंगे इसको हम। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो जो प्लॉट हमारा बन के आया है, क्योंकि हमने सारी वैल्यू सीक्वेंस में ली थी, तो ये वाकई में हमको एक सीढ़ियों की तरह दिख रहा है, एक स्टेप प्लॉट नज़र आ रहा है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू हमारी इस प्रकार की हो, वैल्यू हमारी अप डाउन होती है। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कराता हूँ, इधर मैं करा लेता हूँ 5 या 4 और इधर करा देता हूँ 2, 1, जो भी हमने कराना है। और अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो देखो अब हमारा प्लॉट कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। तो अभी भी ये थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है, ये कहाँ से टर्न करा रहा है ये हम इसके लिए देखो। इधर मैं यदि यूज़ कराऊँ एक और फंक्शन plt.grid, तो ग्रिड फंक्शन के अंदर हमको ये ग्रिड लाइंस के अनुसार दिखेगा कि हमारा जो टर्न हो रहा है, ये स्टेप बन रहे हैं, ये कहाँ से टर्न हो रहे हैं, ये ग्रिड के ऊपर जाके टर्न हो रहे हैं, एक ग्रिड बना रहा है। ग्रिड कहाँ पे बना रहा है, जहाँ पे हमारे पॉइंट आ रहे हैं, और ये पॉइंट कहाँ पे है, कितने कितने नंबर पे, कौन कौन सी वैल्यू के ऊपर ये पॉइंट है, उसके लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर यूज़ करते हैं मार्कर का। और मार्कर में हम कोई भी एक वैल्यू डाल दे, मैं यहाँ पे ओ वैल्यू डालता हूँ और रन कराता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये मार्कर पड़ रहा है। अब मार्कर देखिए हमारे पास किस प्रकार से, हमने एक नंबर पे सबसे पहले लिया 3, ठीक है, उसके बाद गया 2 पे, फिर गया 4 पे, 1 और 5। अब यदि इस वैल्यू के ऊपर हम लाइन प्लॉट को प्लॉट कराते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट इस प्रकार से नज़र आएगा, यहाँ पे लाइन टू लाइन मिलाता है ना। बस यही फ़र्क होता है, ये लाइन टू लाइन नहीं चलता, ये इनको अक्रॉस लेके चलता है, एक स्टेप वाइज नुमा यहाँ पे क्रिएट करेगा। अगर हमने यहाँ से सीधा 4 नंबर पे जंप कराना है तो डायरेक्ट 4 नंबर पे ऐसे नहीं, ये उसके इक्विवेलेंट जा कर के और फिर टर्न करता है, एक स्टेप बना के चलता है ना। यहाँ पे आप इनके एक्स लेबल वाई लेबल डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे फटाफट डाल देता हूँ, टाइटल यूज़ करता हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक्स लेबल भी लगा लिया, वाई लेबल भी लगा लिया, यहाँ पे दोनों मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए, और हमने यहाँ पे इसका टाइटल भी डाल लिया। इस प्रकार से आप इनके टाइटल डाल सकते हैं, इनको फॉर्मेट करा सकते हैं। ये सारा हमने जो पहले प्लॉट्स बताए हैं उनमें हमको ने बताया इसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज़ होंगे इनको फॉर्मेट कराने के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाना चाहें, फिलहाल मैं यहाँ से ये तीनों चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हमारी डिस्टर्ब करेंगे, नीचे प्लॉट को ले जा रही है। हम यहाँ पे एक तो करते हैं इसका लीजेंड का यूज़, तो फंक्शन यूज़ करेंगे plt.lizend, और उसका लेबल दिखाएंगे हम। मैं लेबल करा देता हूँ, डाल देता हूँ इसके अंदर, भाई ये हमारा CSS का प्रोग्राम है, रन करा लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा लीजेंड आ जाता है, इधर जगह नहीं मिली, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे आता है राइट साइड कॉर्नर में। इधर लेके आने के लिए हमको यहाँ पे लीजेंड की लोकेशन डालनी पड़ती है। यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ लोकेशन इक्वल 2, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 हमारा यहीं पे होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 यहाँ पे आता है। हम 1 कराएंगे, इसको ज़बरदस्ती उधर लेके जाएंगे तो ये ज़बरदस्ती इधर आएगा, क्योंकि इधर जगह नहीं है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 पे आ गया। 3 नीचे चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो इसको मैं वापस से 2 ही करा लेता हूँ। ये हमारा लीजेंड यहाँ पे आ गया। अब इसका हम यदि मार्कर का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, मार्कर का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे पैरामीटर यूज़ करेंगे। मार्कर साइज़ के लिए हम यूज़ करेंगे ms इक्वल, जितना भी हम मार्कर साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं वो मार्कर का साइज़ डाल देंगे।
मार्कर का कलर हमने चेंज कराना है, देन हम यहाँ पे MFC का यूज़ करेंगे और मार्कर का कलर मैं डाल देता हूँ रेड। रन करा लेंगे, मार्कर का कलर रेड पड़ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपने इनका कलर चेंज करना है, ये जो स्टेप हमारी लाइनें बनी है, तो हम स्टेप का कलर चेंज कराने के लिए पैरामीटर यूज़ करेंगे कलर का, और कलर के अंदर मैं यहाँ पे इसका कलर डाल देता हूँ ग्रीन और रन करा लेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो मैंने वैल्यू कम डाली थी, अब मैं वैल्यू कुछ ज़्यादा डालता हूँ और फिर देखेंगे कि हमारा प्लॉट कैसा बनता है। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैल्यू डाल देता हूँ और यहाँ भी मैं मल्टीपल्स वैल्यू बढ़ा देता हूँ। क्लियर, अब रन कराते हैं हम इसको, अब देखोगे हमारा जो प्लॉट है कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम स्टेप प्लॉट को किस प्रकार से प्लॉट कराएंगे, कैसे वो नज़र आता है, कैसे काम कर रहा है और उसके कौन कौन से फंक्शन और पैरामीटर होते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे नेक्स्ट प्लॉट को, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।